हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैगन का भुजिया। तो बैगन का भुजिया किस तरीके से बनाते हैं देखिए। मैंने छोटे छोटे बैगन थे उनको चार पार्ट में काट लिया है। जो बैगन हम भर के बनाते हैं वही वाले बैगन मैंने लिए थे, तो उनके एक बैगन में से चार हिस्से मैंने कर लिए हैं। और अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर, और इसमें डालती हूँ मैं 2 चम्मच रिफाइंड। आप अपने हिसाब से जितने आपके बैगन हो उस हिसाब से मैं ये 250 ग्राम की रेसिपी आपको बता रही हूँ। देखिए प्याज, जीरा और हरी मिर्च मैंने लिया है, 2 हरी मिर्च है, 1 छोटी प्याज और जीरा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ब्रेकफास्ट के लिए हमें कुछ जल्दी बनाना होता है, या किसी को जल्दी खाना खाना हो तो हमें जल्दी कुछ बनाना होता है, तो आप इस तरीके से बनाइएगा। बहुत जल्दी बैगन पक जाता है और बहुत टेस्टी और मसालेदार बनता है, एकदम रेस्टोरेंट की तरह। तो अब देखिए मैं मसाला इसमें तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने 1 चम्मच और 1/2 चम्मच और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। इसके बाद हल्दी ली है 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर। और अब मैं इस मसाले को जो है गीला कर लूँगी। इसमें गरम मसाला मैं अभी ऐड कर दूँगी, बाद में नहीं डालूँगी, इसलिए मैंने गरम मसाला अभी डाल दिया है। ऑयल हमारा गरम होता है तब तक हम मसाला मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए ऑयल मेरा गरम हो रहा है। और अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और मसाले को अच्छे से फूलने दूँगी। अब हम डाल रहे हैं इसमें जीरा, प्याज और हरी मिर्च। इसको अच्छे से भूनेंगे, ज़रा सी देर में भुन जाता है ये, क्योंकि कम सब्ज़ी जब भी हमको बनानी होती है ब्रेकफास्ट या बच्चों के टिफ़िन के लिए या हस्बैंड के टिफ़िन के लिए, तो थोड़ी सी सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं सूखी। और इस तरीके से देखिए ये भुन गया है मेरा। अब मैं इसमें जो हमने गीला करके जो मसाला तैयार किया था वो मैं अब इसमें डालूँगी। और अब हमको इसको मंदी आँच में अच्छे तरीके से भूनना है। भूनते समय आप ध्यान रखें कि हमने इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं किया है, और इसीलिए इसको मंदी आंच पर ही हमें भूनना है, वरना तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएगा। इसी तरीके से आप भूनते हुए इसको चलाते हुए पका लीजिए। तो अब मैं इसी तरीके से इसको चलाते हुए पका लेती हूँ। तो देखिए मसाला मेरा लगभग भुनने लगा है, और ये देखिए 5 से 7 मिनट तो लग ही जाता है मंदी आँच में। जब भी हम मसाला भूनते हैं तो 5 मिनट तो हमारा लग ही जाता है, तो 5 मिनट इसमें भी लग गया है। और मसाला देखिए मेरा ऑयल छोड़ने लगा है। जो मिर्च होती है ना वो अलग ही दिखने लगती है, ऊपर फूला हुआ सा मसाला दिखने लगता है। अब हम इसमें बैगन डाल रहे हैं। जो बैगन मैंने धोए थे उनको अब मैं उनको डालूँगी। देखिए सब्ज़ी हमारी कितनी अच्छी दिख रही है, एकदम लाजवाब। आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। अब हम इसको मिला करके 5 मिनट खुले में ऐसे चलाते हुए इसको बैगन को फुल फ्लेम पे 5 मिनट तक इसी तरीके से चलाएंगे, ताकि ये जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद अब हम इसको ढक देंगे। इसमें ज़्यादा अब मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, तो नमक डालते हुए इसको मिला देंगे आप। और मिलाने के बाद में अब हम इसको 5 मिनट तक ढक करके पकाएंगे। 5-7 मिनट में 8 मिनट में ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है, और ये फुल आंच पर ही चल रहा है मेरा। तो ये देखिए कितने अच्छे बैगन दिख रहे हैं। और इस तरीके की सब्ज़ी जो होती है रिसेप्शन वगैरह में खाने को मिलती है, तो इस तरीके से आप बनाइएगा और बहुत अच्छी लगती है, सब लोग तारीफ़ करेंगे, देखिएगा आप बनाइएगा। तो ये देखिए मैंने एक बार और चला दिया है इसको, और पानी जो है उसका ख़त्म हो गया, ऑयल दिखने लगा है। अब मैं थाली की हेल्प से इसको ढक दूँगी और 5 मिनट लो कर दूंगी बिल्कुल फ्लेम को, उसकी जो आँच है उसको बिल्कुल मंदा कर दूंगी। 5 मिनट हो गया है देखिए, और देखिए बैगन हमारा आधा पक गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और ढक कर के रख देंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। तो मैं ढक रही हूँ इसको, 5 मिनट बाद हम इसको देखते हैं। तो 5 मिनट हो गया है, तो ये देखिए बैगन हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है। ये देखिए कितनी अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनी है, और ये सब्ज़ी पूड़ी पराठे रोटी या चावल के साथ साइड में खाने में बहुत अच्छी लगती है, और ख़ास करके टिफ़िन के लिए ये बहुत अच्छा है। आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, और अच्छी स्पाइसी सब्ज़ी खाने का तब भी मन करे तब भी हम इसको बना सकते हैं। तो आप बैगन की सब्ज़ी इस तरीके से बनाइएगा, अगर आपके घर में कोई पसंद ना भी करता हो तो भी पसंद करेगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।